पहली तारीख को हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें जो ज्ञापन दिया गया था, समस्याएं दी गई थी, उनका अभी तक निदान नहीं हुआ। कई सरकारों से सरकारें बदल गईं, लेकिन किसान गोष्ठी जो होती थी वो यहीं विकास भवन में होती थी, जिसमें किसानों की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा जाता था। डीएम की अध्यक्षता में बैठक होती थी, जिले भर के सारे अधिकारी होते थे, उपस्थित होते थे, किसान अपनी मांग रखते थे, अपनी समस्या रखते थे, अधिकारी उसका जवाब देते थे। किसान जब संतुष्ट नहीं होते थे तो डीएम साहब से हस्तक्षेप की मांग करते थे, डीएम साहब अपना हस्तक्षेप करते थे, किसानों को न्याय दिलवाते थे। जब से ये डीएम साहब आए हैं, हम नहीं कहते डीएम साहब खराब हैं, डीएम साहब अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने किसान गोष्ठी को गांव-गांव करवाने का निर्णय लिया। वो निर्णय बिल्कुल किसानों के लिए उल्टा पड़ा है। अगर टोंडरपुर ब्लॉक के किसी गांव में किसान गोष्ठी हो रही है तो भरावन ब्लॉक के किसी गांव का किसान अपनी समस्या लेके कैसे जा सकता है? किसानों की समस्याएं खाद, बीज, बिजली, पानी, ये त्वरित समस्याएँ होती हैं। अगर अगले महीने का इंतजार किया जाएगा तो धान की फसल, गेहूँ की फसल डूब जाएगी। इस समय धान बिकना है, किसान का धान के अगले महीने बिकेगा, किसान अपनी समस्या किस दिन रखेगा? एक दिन ऐसा मिलता था महीने में जिस दिन किसान अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी अधिकारियों के समक्ष रखता था और अधिकारी उसकी बात का जवाब देते थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, जब से एडीएम साहब आए हैं किसान की बात कोई सुनने वाला नहीं है। पता नहीं सरकार से इनको ऐसा निर्देश प्राप्त है कि किसान की बात ना सुनो, या ये अधिकारी इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं, हमें यही प्रतीत होता है।